तीन कृषि कानूनों के खिलाफ लगभग 2.5 महीने से ऊपर हो चुका है और किसान आंदोलन आज भी जारी है। 26 जनवरी को जिस तरीके से किसानों ने ट्रैक्टर रैली का निकाली थी और उसमें जो वॉयलेंस हुआ था, उसके बाद आज किसानों ने आह्वान किया है कि वो रेल रोको आंदोलन जो है वो आज 12 से 4 बजे के बीच में करेंगे। जगह जगह इसका मिला जुला असर देखने को मिला है। खासकर अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में किसानों ने आंदोलन किया है और रेल की पटरियों पर उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन किया है। जगह जगह ट्रेन रोकी गई हैं, जगह जगह ट्रेनों के रूट जो हैं वो भी डाइवर्ट किए हैं। इंडियन रेलवेज़ की तरफ से कहना था कि किसान आंदोलन की वजह से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसी वजह से कई ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया, उनके रूट को डाइवर्ट किया गया है और कई ट्रेनें जो हैं वो रद्द भी की गई हैं। हालांकि किसान नेता राकेश टिकैत की बात करें तो उन्होंने पहले ही अपील की थी कि ये जो आंदोलन है वो पूर्णतः शांतिपूर्ण रहेगा और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर हरियाणा, पंजाब या पश्चिम बंगाल की बात करें तो इसका मिला जुला असर देखने को मिला है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ दिल्ली सरदेश यादव, न्यूज़ पॉइंट।